हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट लवर जीम इलेवन एनालिसिस में। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान के फर्स्ट T20 मैच की, जो कि हरारे में आज खेला जाने वाला है। ये ट्राई सीरीज़ का पहला मैच है जो कि जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान के बीच में होना है। तो यहाँ पे हम वीडियो में बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, प्लेयर न्यूज़ की, प्लेइंग इलेवन की और साथ में ड्रीम इलेवन टीम की। तो साथ में यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है जिम्बाब्वे से, और यहाँ पे आसानी से यहाँ पे पाकिस्तान के चांसेस हैं विन करने के, लगभग 90% चांसेस है कि पाकिस्तान ही विन करेगा। और यहाँ पे बात करें जिम्बाब्वे की टीम को, तो इसमें बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, जैसे कि सिकंदर रजा, ब्रेंडन टेलर, क्रेमर जैसे बड़े बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे। तो पाकिस्तान के यहाँ पे और चांसेस बन जाते हैं जीतने के, और पाकिस्तान इस मैच में कुछ बड़े प्लेयर्स को भी रेस्ट दे सकता है, क्योंकि अगला मैच पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ होना है। तो गाइस, यहाँ पे हम चलते हैं पिच रिपोर्ट की साइड। तो उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है क्रिकेट लवर्स को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको अब हमेशा मिलते रहेंगे और प्लेयर न्यूज़ और टीम न्यूज़ भी मिलती रहेगी। तो पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोनों के लिए अच्छी है, बैटिंग और बॉलिंग के लिए, तो आपको यहाँ पे एक एवरेज टोटल मिल सकता है। बाकी एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आप दो टीम बना के लिए चलिए, जैसे कि मान के चलिए पाकिस्तान ने अगर पहली बैटिंग करती है तो ऊपर के बैट्समैन और बॉलर ले लीजिए, और अगर क्योंकि अगर पहले बैटिंग करेगी तो बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है, और अगर पहले बॉलिंग करेगी तो लोएस्ट स्कोर भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे आपके चांसेस बन जाते हैं जीतने के ग्रैंड लीग को। यहाँ पे प्लेयर न्यूज़ की बात करें तो हफीज़ को इस बार सिलेक्टेड किया गया है पाकिस्तान टीम में। उनके एक्शन की वजह से उनको पिछले सीरीज़ों में नहीं खिलाया गया, पर अब वो सिलेक्टेड हैं और इस मैच में खेलेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि बिग प्लेयर जिम्बाब्वे के नहीं खेल रहे हैं, जिनमें से रजा टेलर हैं, सॉरी सिकंदर रजा हैं, टेलर हैं, क्रैमर हैं, विलियम हैं और इरवाइन हैं। तो इसकी वजह से थोड़ी सी कमज़ोर दिखती नज़र आ रही है जिम्बाब्वे की टीम। तो अब चलिए हम बात करते हैं प्लेइंग इलेवन की। तो प्लेइंग इलेवन मैं फ़कर जमन हैं, हफीज़ हैं, हुसैन तलत हैं, मलिक हैं, हरफराज हैं, हासिफ अली हैं, फ़हीम अशरफ, शताब खान, मोहम्मद नवाज, हसन अली और आमिर। तो ये प्लेइंग इलेवन हो सकती है पाकिस्तान की। बाकी कोई भी हैरिस सोहेल को भी खिलाया जा सकता है, क्योंकि छोटी टीम है जिम्बाब्वे, तो एक आध को रेस्ट भी दिया जा सकता है। बाकी यही प्लेइंग इलेवन होनी चाहिए। बाकी जिम्बाब्वे प्लेइंग इलेवन की बात करें तो जुआवो और मसगजा ओपनिंग करेंगे, फिर सोलोमन मिर हैं, रियान बल हैं, मोलर हैं, चिकम्बुरा हैं, पीटर बोर है, जारविस है, मुजरवानी है, मफू है और सिसारो या वेलिंगटन मसकजगी है, एक जना खेलेगा। तो यहाँ पे हम ड्रीम टीम की बात करें तो आप पाकिस्तान के 7 प्लेयर लेके जाइए, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, और 4 प्लेयर लीजिए जिम्बाब्वे के, और दोनों ही टीमों में आपको ऐसा करना है पाकिस्तान। फिर यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, तो फ़कर जमन, हफीज़, मलिक, तलत, हसन अली, शदाब खान, आमिर, ये 7 प्लेयर इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद बसकज़ा, सोलोमन मेन, मुजरवानी और जारविस, ये 4 प्लेयर इंपॉर्टेंट है जिम्बाब्वे की टीम से। तो चलिए अब हम ड्रीम टीम की बात करें। तो यहाँ पे मैंने टीम बनाई हुई है। इस टीम की बात करें तो विकेट कीपर मैंने पीटर मूर को लिया है। सरफराज अहमद को छोड़ने का एक ही रीज़न है, क्योंकि शायद इनकी बैटिंग ना आए अगर पहले बैटिंग करती है या फिर दूसरी बैटिंग करती है, क्योंकि काफ़ी नीचे आते हैं और चांसेस हैं कि जिम्बाब्वे इनके विकेट ना निकाल पाए, इसलिए मैं पीटर मूर के साथ गया हूँ। आप चाहें तो सरफराज अहमद के साथ भी जा सकते हैं। इसका मैंने शोएब मलिक, मसकज़ा, फ़कर जमन और हफीज़ लिए। आपके कैसे ऑप्शन बच जाते हैं सोलोमन मीर और चिगुम्बुरा, जो कि एक सेफ ऑप्शन होंगे आपके लिए। उसके बाद आसिफ अली भी हैं यहाँ पे, और जहाँ पे जुआ वावो भी हैं, तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। इसका ऑलराउंडर में बात करें तो शदाब खान को मैंने लिया है, छी वावा को लिया है और हुसैन तलत को लिया है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है मालकम बॉलर, प्रियान बल और फ़हीम अशरफ। इसके बाद बॉलिंग में बात करें तो हसन अली, मोहम्मद आमिर और मुजरवानी लिया है मैंने। आपके पास ऑप्शन बच जाते हैं सिसारो का, मोहम्मद नवाज़ का, कायल जारविस का, मफू का। अब मैं बात करूं यहाँ पे उस्मान खान, शाहीन अफरीदी, और ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको चांस दिया जा सकता है इस मैच में, मोहम्मद आमिर और हसन अली की जगह शायद दे दिया जाए, बाकी चांसेस काफ़ी कम है, इसलिए मैंने इन्हें बेंच में भी नहीं दिखाया था अपनी उसमें। तो गाइस ये टीम हो गई स्मॉल लीग के लिए। आप यहाँ पे आसानी से विन कर जाएंगे अपने स्मॉल लीग में डालते हैं, क्योंकि स्मॉल लीग में आज सबसे बड़े प्लेयर होंगे हफीज़ और मलिक, ये 2 प्लेयर आपको स्मॉल लीग में देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे स्मॉल लीग्स में अगर जा रहे हैं तो इनको चूज़ कर सकते हैं, और हुसैन तलत को भी, जो कि 3rd नंबर पर बैटिंग करते हैं। तो ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो आपको स्मॉल लीग्स में कैप्टन मिलने वाले हैं। बाकी फ़कर जमन को मैंने यह कैप्टन इसलिए चुना है क्योंकि काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे पिछली सीरीज़ में, और आई होप ये एक बड़ा स्कोर देखने को इनके बल्ले से मिलेगा। तो गाइस हो गई मेरी टीम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।